गेहूं निर्यात परिदृश्य में एक महीने के भीतर व्यापक बदलाव आया है। नए रिकॉर्ड छूने की ओर ध्यान से हटकर अब निर्यात पर रोक को लेकर चर्चा होने लगी है। उत्पादन में गिरावट को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अनुमान के मुताबिक अनाज के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान की तुलना में 2022-23 में गेहूं उत्पादन करीब 60 से 100 लाख टन कम रहने की उम्मीद है। फरवरी में 1113 लाख टन उत्पादन का आकलन किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए एक साल में 210 लाख टन गेहूं की जरूरत होती है। अनाज की योजना 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसे में 90 से 100 लाख टन की और जरूरत होगी। सरकार को सभी जरूरतें पूरी करने के लिए 300 से 320 लाख टन की जरूरत है। वहीं 1 अप्रैल को स्टॉक में 190 लाख टन गेहूं था। अगर स्टॉक में से 130 या 140 लाख टन निकालते हैं और 200 टन खरीदने में सफल होते हैं तो सरकार आराम से काम कर सकेगी। उत्पादन और खरीद की मौजूदा स्थिति को देखते हुए तो भारत 80 से 100 लाख टन गेहूं के निर्यात का भार उठा सकता है, भले ही उत्पादन में 100 लाख टन गिरावट हो जाए। जब तक यह स्थिति रहेगी किसी अफरा तफरी की जरूरत नहीं होगी। हालांकि उभरती परिस्थितियों पर नजर रखने और उसके मुताबिक कदम उठाने की जरूरत है। एक पखवाड़े पहले भारत गेहूं निर्यात को लेकर उत्साहित था, वहीं बदलते मौसम का असर फसलों पर देखने को मिल रहा है। चढ़ते पारे से गेहूं का उत्पादन 10 से 35% तक गिरा है। वहीं रबी जायद की फसलों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। गर्मी ज्यादा होने के कारण कई जगहों पर फसलें झुलस गई, जिससे किसानों में फसल खराब होने की चिंता बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।